चमत्कारों के चाहने वालों, केदारनाथ मंदिर के पवित्र निवास स्थान पर आपका स्वागत है। अपनी दिव्य तीर्थ यात्रा की योजना बनाएं, क्योंकि हम 2024 के लिए उद्घाटन की तारीखों का अनावरण करेंगे और हिमालय के बीच इस रहस्यमय यात्रा के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्राचीन हिमालय में स्थित केदारनाथ एक प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थल है, जो भगवान शिव को समर्पित अपने प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। लुभावने परिदृश्यों से घिरा यह शहर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है, जो भक्तों और प्रकृति प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करता है। अपने आप को दिव्य आभा में डुबोएं और केदारनाथ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता लगाएं, जो धार्मिक और प्राकृतिक दोनों आश्चर्यों के चाहने वालों के लिए स्वर्ग है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह एक तीर्थ यात्रा है जो समय से परे है, दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करती है। 1000 वर्षों से अधिक के इतिहास के साथ यह हिमालय के हृदय में आध्यात्मिकता, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। केदारनाथ मंदिर के उद्घाटन का शुभ क्षण प्राचीन अनुष्ठानों और खगोलीय गणनाओं के आधार पर दिव्यता से परिपूर्ण है। इस वर्ष केदारनाथ मंदिर के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे, जो तीर्थ यात्रा सीजन की शुरुआत होगी। मंदिर 20 नवंबर तक दिवाली के उत्सव के साथ तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहेगा। जैसे ही दिवाली का शानदार त्योहार रात के आसमान को रोशन करता है, अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, केदारनाथ मंदिर अपने वार्षिक शीतकालीन अवकाश की तैयारी करता है। आइए अब इस पवित्र मंदिर तक पहुंचने के मार्गों का पता लगाएं। आप देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से हवाई मार्ग से ऋषिकेश तक ट्रेन से या सड़क मार्ग से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं, जो केदारनाथ की यात्रा का आधार बिंदु है। केदारनाथ पहुंचने का पारंपरिक और सबसे आम रास्ता गौरीकुंड से ट्रैकिंग है, जो मनमोहक दृश्यों के बीच 16 किलोमीटर की यात्रा है। जो लोग पैदल यात्रा नहीं करना चाहते, उनके लिए खच्चर और पालकी उपलब्ध है। अपनी दिव्य तीर्थ यात्रा की योजना बनाएं, हिमालय के बीच आध्यात्मिकता में डूब जाएं और केदारनाथ मंदिर में दिव्य दर्शन देखें। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स और हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा पर निकलें।